प्रिय छात्रों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है संधि। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि। हम दीर्घ संधि और गुण संधि, ये दो भेद हैं, इनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके थे। आज हम स्वर संधि का तीसरा भेद होता है अयादि संधि, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अयादि संधि होती क्या है। तो यहाँ पर अयादि संधि की परिभाषा है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ए या ऐ हो या ओ या औ हो तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि कोई असमान स्वर हो तो इनके स्थान पर अ आय अव आव हो जाता है। यहाँ पर ये सूत्र दे रखा है, यदि ए के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ए बनता है, ऐ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो आय बनता है, ओ के बाद कोई यह समान स्वर आता है तो औ बनता है, और औ के बाद कोई यह समान स्वर आता है तो आव बनता है। यहाँ हमारे पास ये पहला शब्द है नयन, नयन नयन मीन्स नेत्र, इसका हमने संधि विच्छेद किया तो ने प्लस अन किया। तो यहाँ पर ये ने है, ने में से ए निकालेंगे, यानी कि ने में ए की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ से ए निकालेंगे तो यहाँ पर ने बचेगा। इसके बाद ये अन दे रखा है, ये यहाँ से ए निकालेंगे तो यहाँ पर ने बचेगा। अब ए के बाद कोई यह समान स्वर आता है तो अ बनता है, ये यहाँ पर यह अपूर्ण व्यंजन है, इसे पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए हम इसमें ये यहाँ अह इसकी मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पर ये पूर्ण व्यंजन बन जाएगा। इसके बाद ने यहाँ पर अपूर्ण व्यंजन है, इसे पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए हम इसमें ए की मात्रा लगा देंगे तो ये पूर्ण व्यंजन हो जाएगा हमारा ने। इसके बाद ये यहाँ पर यह बचा, यह को यहाँ पर जैसा का जैसा लिख देंगे, इसके बाद यहाँ पर ने बचा, इसको भी हम जैसा का जैसा यहाँ पर उतार देंगे तो ये शब्द बना हमारा नयन। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने जो संधि विच्छेद किया वो सही किया। हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो हम शब्दों के दो टुकड़े या दो खंड करते हैं। प्रथम पहले खंड को प्रथम शब्द कहते हैं और दूसरे खंड को दूसरा शब्द या द्वितीय शब्द कहते हैं। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि देखी जाती है और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि संधि विच्छेद करते समय देखी जाती है। हमारे पास यहाँ दूसरा शब्द है नायक। नायक का हम संधि विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कौन सी संधि है। तो यहाँ पर हम देखेंगे नायक, नायक ये शब्द है, यहाँ ने में आय जुड़ा हुआ है, इसके जस्ट बाद ये आ रहा है तो यहाँ पर आय की ध्वनि हमें देखने को मिल रही है। तो हम अंदाजा लगा लेंगे कि ये अयादि संधि है। तो यहाँ पर ने में आ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर यह है, यह यहाँ पर आधा है, जब ही तो आय बनेगा। तो हम आय कब बन रहा है, जब हम किसी वर्ण में ऐ की मात्रा लगाएंगे और उसके बाद ए समान आएगा, जब ही तो आय बनेगा। तो हम ये स्थिति में यहाँ पर ने है, ने में से आय बाहर करेंगे और इसमें ने में ऐ की मात्रा लगा देंगे, इसके बाद ये यहाँ से हटेगा, ये यहाँ से हटेगा तो ये में अ जुड़ा हुआ है, जब यहाँ से हटेगा तो ये अ की ध्वनि छोड़ेगा तो ये अक हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद हुआ नय, नई प्लस अक।
यहाँ से ने में से आई निकालेंगे तो ने यहाँ पर आधा हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ से ए निकालेंगे तो यहाँ पर के आधा बचेगा। अब आई के बाद कोई ए समान स्वर आता है, अब यहाँ पर ए या आई दोनों में से कोई सा भी स्वर आ जाता तो समान स्वर होता, लेकिन ए या आई इन दोनों में से कोई सा भी नहीं आया है, ये अ यहाँ पर आया है, इसलिए ये असमान स्वर हुआ। तो आई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो आय बनता है। यहाँ पर यह आधा है, इससे आधा आधा है या अधूरा व्यंजन है या अपूर्ण व्यंजन है। इसे पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए हम इसमें यहाँ पर ये अ दे रखा है, इसकी मात्रा ये में लगा देंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा पूर्ण व्यंजन और ये शब्द बना आए। इसके बाद ये ने यहाँ पर अपूर्ण व्यंजन है, इसे पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए हम यहाँ में यहाँ पर आ है जो स्वर बना है आ, इसकी मात्रा ने में लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ना। इसके बाद यहाँ पर ये आ रहा है, ये जैसा का जैसा यहाँ पर उतर जाएगा। इसके बाद यहाँ पर के बचा है, के को भी हम इसी तरह से यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद ये हमारा शब्द बना नायक। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने जो संधि विच्छेद किया वो सही किया। दूसरा शब्द है हमारे पास पवन। पवन यहाँ पर पे में ए जुड़ा हुआ है और ये यहाँ पर ध्वनि आ रही है औ की, तो पे में से ये ए जुड़ा हुआ है तो अव की ध्वनि यहाँ पर आ रही है। यहाँ वे में ए जुड़ा हुआ है, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। अब इसका ये अव बनता है, ये अव कब बनता है, जब हम वर्ण में ओ की मात्रा लगाएंगे। तो यहाँ पे वर्ण है तो हम इसमें ओ की मात्रा लगाएंगे पे में, तो क्या हो जाएगा पो। इसके बाद में यहाँ पर वह है, वह में ए जुड़ा हुआ है तो ये वह यहाँ से हटेगा तो ये ए छोड़ेगा तो यहाँ अन हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद हुआ पो प्लस अन। यहाँ पे में से ओ निकालेंगे तो पे यहाँ पर आधा बचेगा। इसके बाद हम ये अन दे रखा है, ये दूसरा शब्द है, इसका हमें प्रथम वर्ण देखना है तो प्रथम वर्ण यहाँ पर अह, यहाँ से ए निकालेंगे तो यहाँ पर ने बचेगा। ओ के बाद कोई यह समान स्वर आता है तो आव बनता है, या वह आधा है या अपूर्ण व्यंजन है। इसे पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए हम इसमें अ की मात्रा लगाएंगे, इस अ की मात्रा हम वह में लगा देंगे तो ये वह पूर्ण व्यंजन बन जाएगा आव। इस तरीके से ये पे यहाँ पर आधा है, स्वर रहित व्यंजन है, इसे स्वर रहित व्यंजन है यानी कि अपूर्ण व्यंजन है। इसे हम पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए इसमें हमारे पास ये स्वर बना है, हम इसमें इसकी मात्रा लगा देंगे तो ये पूर्ण व्यंजन बन जाएगा पे। इसके बाद में ये अव है, इस अव को जैसा का जैसा उतार देंगे। इसके बाद में हमारे पास ये ने बचा है, इस ने को भी जैसा का जैसा उतार देंगे तो ये हमारा शब्द बना पवन। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने जो संधि विच्छेद किया वो सही किया है। इसके बाद हमारे पास चौथा शब्द है शावक। शावक कहते हैं शेर के बच्चों को। यहाँ पर शावक ये शब्द है, इसमें यहाँ पर आव जुड़ा हुआ है, से में आ जुड़ रहा है और पीछे वह है तो आव की ध्वनि आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं आव किस में आता है, अयादि संधि में आता है। इसलिए हम अंदाजा लगा लेंगे कि इस शब्द में अयादि संधि है। अब यहाँ से आव आता है, जब कब आता है, जब हम किसी वर्ण में अव की मात्रा लगाएंगे और दूसरा वर्ण हमारा कोई असमान स्वर होगा, जब ही तो आव बनेगा। तो से है, से में हम अव की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा शव। इसके बाद यहाँ पर वह है, इसमें ए जुड़ा हुआ है
जब वह यहाँ से हटेगा, हटेगा तो क्या छोड़ेगा, एक ही ध्वनि छोड़ेगा, तो ये इस तरीके से यहाँ पर अक हो जाएगा। तो ये संधि विच्छेद हुआ शौ प्लस अक। यहाँ पर शय में से औ निकालेंगे तो शय यहाँ पर आधा हो जाएगा, यानी कि अपूर्ण व्यंजन हो जाएगा। और ये यहाँ पर यहाँ से ए निकालेंगे तो यहाँ क बचेगा। औ के बाद कोई ए समान स्वर आता है, अब ये अ यहाँ पर असमान स्वर है, यहाँ पर ओ या औ आ जाता तो ये समान स्वर होते, लेकिन यहाँ पर अ आया है इसलिए ये असमान स्वर है। और औ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो आव बनता है। यहाँ पर वह अपूर्ण व्यंजन है, इसे पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए हम इसमें ये हमारे पास ए स्वर है, इसकी मात्रा इसमें लगा देंगे तो ये पूर्ण व्यंजन बन जाएगा आव। अब ये हमारे पास शय अपूर्ण व्यंजन है, इसे पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए हम हमारे पास ये स्वर बना है आ, इसमें आ की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा शा। इसके बाद में वह बचा है, वह को जैसा का जैसा उतार देंगे। इसके बाद में हमारे पास के बचा है, इस के को भी जैसा का जैसा उतार देंगे तो हमारे पास ये शब्द बना शावक। और शावक का अर्थ होता है शेर के बच्चे। स्वर संधि का चौथा भेद है वृद्धि संधि। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वृद्धि संधि कहते कैसे हैं, वृद्धि संधि होती क्या है। तो यहाँ इसकी परिभाषा है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ए या आ हो तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि ए या आई हो या ओ या औ हो, तो इनके मेल से क्रमशः आई और औ हो जाता है। ये यहाँ पर सूत्र है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ए या आ हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि ए या आई हो, तो इनके मेल से आई हो जाता है। दूसरा है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ए या आ हो तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि ओ या औ हो, तो इनके मेल से औ बनता है या इनके मेल से औ हो जाता है। अब वृद्धि शब्द सुनकर आप सोचते होंगे कि वृद्धि ये है क्या, कैसे पता लगाएंगे कि ये इसमें वृद्धि संधि है या नहीं है। तो वृद्धि इसके अर्थ से ही स्पष्ट हो रहा है, वृद्धि वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी, उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है। तो जिस प्रकार से यहाँ शब्द दे रखे हैं, ऐसे अनेक या कई शब्द हैं, ये यहाँ पर सदैव दे रखा है, तो दे में कितनी मात्रा लगी हुई है, दो मात्राएं लगी हुई हैं। तो यहाँ पर यानी कि मात्राओं की वृद्धि हुई है। इसी तरीके से ये है में औ की मात्रा लगी है, तो यहाँ भी क्या है, मात्राओं की वृद्धि हुई है। तो हम करीब करीब इन्हें देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें वृद्धि संधि है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमारे पास शब्द दे रखा है एक कैक, एक कैक, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा एक प्लस एक, एक प्लस एक। संधि विच्छेद करते समय हम शब्द के दो खंड या टुकड़े करते हैं और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखा जाता है और दूसरे शब्द का
प्रथम वर्ण देखा जाता है। तो ये प्रथम शब्द है एक और दूसरा शब्द है एक। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है कह और यहाँ पर दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण है ए। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि यहाँ पर कह है और कह में ए जुड़ा हुआ है, तो कह में से अ बाहर करेंगे तो यहाँ पर क आधा हो जाएगा। इसके बाद हम ये दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखेंगे तो यहाँ पर है ए, यहाँ से ए बाहर करेंगे या ए हटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा क। यहाँ हमने पढ़ा था कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ए या आ हो, तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि यहाँ पर अह तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि ए या आई हो, ओ या औ हो, तो इनके मेल से आई और औ बनते हैं। तो यहाँ पर ए आ रहा है तो ए या आ के बाद ए या आई आता है तो आई बनता है, ये इसकी दोहरी मात्राएं होती हैं। अब हमारे पास के यहाँ पर अपूर्ण व्यंजन है, अधूरा व्यंजन है, इसे पूर्ण करने के लिए हमारे पास ये स्वर बना है, हम इसकी मात्रा इस के में लगा देंगे तो क अपूर्ण व्यंजन हो जाएगा। तो ये के स्वर रहित व्यंजन है, इसे पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए हमने इसमें आई की मात्रा लगाई तो यहाँ पर होगा कई। इसके बाद में ये के बचा, ये जैसा के जैसा उतार दिया तो ये शब्द बना ए कैक। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमने संधि विच्छेद किया वो सही किया। हमारे पास दूसरा शब्द है सदैव, सदैव, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सदा प्लस एव। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पर है द, यानी कि दे है और दे में आ जुड़ा हुआ है, जब हम यहाँ से दे में से आ निकालेंगे तो दे यहाँ पर आधा बच जाएगा। इसी तरीके से दूसरा शब्द है, इसका प्रथम वर्ण है वो है ए, तो हम यहाँ से ए निकालेंगे तो यहाँ पर वह बच जाएगा। अब यहाँ पर ए या आ के बाद ए या आई आता है तो आई बनता है, ये यहाँ पर इसकी दोहरी मात्राएं होती हैं। अब ये द यहाँ पर अपूर्ण व्यंजन है, स्वर रहित व्यंजन है, इसे पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए हम इसमें आई की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा स दई और फिर इसमें वह जोड़ देंगे तो ये हमारा शब्द बनेगा सदैव। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने जो संधि विच्छेद किया वो सही किया। हमारे पास दूसरा शब्द है महोषधि, महोषधि, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा महा प्लस औषधि, महा मिस महान और औषधि मिस दवा, या औषधि का मतलब दवा। तो यहाँ पर ये है यहाँ पर है में आ जुड़ा हुआ है तो है में से आ बाहर करेंगे तो है यहाँ पर आधा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर औषधि है, औषधि में पहला वर्ण औ है, यहाँ से औ निकालेंगे तो यहाँ षधि बच जाएगा। ए, ए या आ के बाद ओ या औ आता है तो ये औ बनता है। अब है यहाँ पर अपूर्ण व्यंजन है, अधूरा व्यंजन है, इसे पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए हम इसमें औ की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मह, महो और षधि को जैसा के जैसा उतार देंगे तो ये शब्द बना महोषधि, महोषधि, महा प्लस औषधि। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये शब्द और ये शब्द दोनों एक जैसे बने हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो संधि विच्छेद किया वो सही किया।
स्वर संधि का पांचवा भेद है यण संधि। यण संधि होती क्या है, हम इस का अंदाजा लगाएंगे कि यण संधि में हमेशा आधे अधूरे वर्ण होते हैं। जहां पर भी हमें किसी शब्द के अंदर हमें आधे वर्ण दिखाई दें तो हम करीब करीब अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें यण संधि है। तो आइए, यण संधि होती क्या है, यण संधि कहते कैसे हैं, इसके बारे में जानेंगे कि यण संधि होती क्या है। तो यण संधि की यहाँ पर परिभाषा है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ई या ई हो या ऊ हो या री हो, री हो तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि कोई असमान स्वर हो तो इनके मेल से क्रमशः ये व रे हो जाता है या बन जाता है। यहाँ पर ये सूत्र दे रखा है, यदि ई या ई के बाद कोई ये समान स्वर आता है तो ये बनता है, ऊ या ऊ के बाद कोई ये समान स्वर आता है तो वह बनता है, और री के बाद कोई ये समान स्वर आता है तो रे बनता है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ अनेक उदाहरण दिए गए हैं। पहला है व्याकरण। अब आप देखिए, इस शब्द में आधा वर्ण है वह, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें यण संधि है। हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा वी प्लस आकरण। यहाँ से वे में ई की मात्रा लगी हुई है तो वे में से ई निकालेंगे तो वे यहाँ पर आधा बचेगा। इसके बाद यहाँ पर है आकरण, यहाँ से आ निकालेंगे तो यहाँ करण बचेगा। यहाँ अब आप ये सोचते होंगे कि आ कहाँ से आ गया, तो आप देखिए ये बन रहा है, ये कब बनता है, जब ई या ई की मात्रा लगेगी, जब ये यहाँ पर आधा है, ये यहाँ से हटेगा ये, तो इसमें ये में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से हटेगा तो आ की ध्वनि यहाँ पर छोड़ेगा, इसलिए यहाँ पर आ आया। अब यहाँ पर ये बना हुआ है, ये कब आएगा, जब हम किसी वर्ण में ई या ई की मात्रा लगाएंगे, जब यहाँ पर ये आएगा, इसलिए हमने वह जो आधा है उसे पूर्ण व्यंजन बना के हमने इसमें ये छोटी ई है इसकी मात्रा हमने यहाँ पर लगाई है। तो इस तरीके से ये बना वी प्लस आकरण, या वह में ई की मात्रा लगी हुई है, वह में से हमने ई बाहर किया तो यहाँ वह आधा बचा, इसके बाद यहाँ आकरण है, ये दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है, इसकी ध्वनि आ है, यहाँ से हमने आ निकाला तो यहाँ पर ये करण बचा। ये हमारे पास ये सूत्र है, यदि ई या ई के बाद कोई ये समान स्वर आए, अब ई के बाद ये यहाँ पर आ समान स्वर है, अगर यहाँ पर ई या ई इन दोनों में से कोई सा स्वर होता तो ये समान स्वर होते, लेकिन यहाँ पर आ अलग स्वर आया है इसलिए ये यहाँ पर असमान स्वर है। तो ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ये बनता है, ये यहाँ पर आधा है, इसे पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए हम इसमें आ की मात्रा लगाएंगे तो ये में आ की मात्रा लगाने पर ये पूर्ण व्यंजन बनता है या। अब यहाँ पर वह अपूर्ण व्यंजन है, और हमेशा जो अपूर्ण या अधूरे व्यंजन होते हैं, व्यंजन हमेशा अपूर्ण या अधूरे होते हैं, और उनमें स्वरों के स्वर जो होते हैं उनकी मात्रा लगा करके व्यंजन पूर्ण बनते हैं। तो हमारे पास ये व्यंजन बना है, हमारे पास कोई स्वर नहीं बना, इसलिए हम ये वह जो आधा है इसमें मात्रा लगाएँ तो किसकी लगाएँ, इसलिए ये व्यंजन आधा का आधा ही रहेगा। तो वह इसके बाद यहाँ से
या उतारेंगे तो वह या और ये करण को हम जैसा का जैसा उतार देंगे तो ये शब्द बना व्याकरण। इसी तरीके से हमारे पास ये दूसरा शब्द है अत्याचार, ये भी हम जानेंगे कि ये अत्याचार है। अत्याचार शब्द है, इसमें ये आधा वर्ण है त, तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि यहाँ भी यण संधि है। तो यहाँ यण संधि है तो यहाँ पर या बन रहा है, तो ये कब बनेगा, जब हम ई की मात्रा लगाएंगे तो ते में हम छोटी ई की मात्रा लगा देंगे तो अति हो जाएगा। इसके बाद ये बन रहा है, इस ये में आ जुड़ रहा है, तब ये यहाँ से हटेगा तो ये आ की ध्वनि छोड़ेगा, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा अति प्लस आचार। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखा जाता है संधि विच्छेद करते समय, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखा जाता है, तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है यहाँ पर आ, और प्रथम शब्द है उसका यहाँ पर अंतिम वर्ण है ती। तो ते में से यहाँ पर ई निकालेंगे तो ते यहाँ पर आधा हो जाएगा, इसी तरीके से आ आचार में से यहाँ पर आ निकालेंगे तो यहाँ चार बचेगा। इसी तरीके से ई या ई के बाद कोई यह समान स्वर आता है तो ये बनता है, ये यहाँ पर अपूर्ण व्यंजन है, इसे पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए हम यहाँ जो स्वर है आ इसकी मात्रा लगाएंगे तो ये अपूर्ण व्यंजन बन जाएगा या। इसके बाद ये हमारे पास ते अपूर्ण व्यंजन है, अपूर्ण व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है, ये आधा व्यंजन है, और यहाँ हमारे पास व्यंजन बना है स्वर नहीं है, तो इसे पूर्ण व्यंजन नहीं बना सकते, क्योंकि इसे पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए हमारे पास स्वर नहीं है, हमारे पास तो यहाँ पर या यानी कि व्यंजन बन के सामने आया है, इसलिए ए, ए, ए जैसा का जैसा रहेगा, ते इसमें अपूर्ण व्यंजन आधा रहेगा, इसके बाद में हम इसको या को उतार लेंगे तो ए ते या, और चार को जैसा का जैसा उतार देंगे तो ये शब्द बना हमारे पास अत्याचार। इसी तरीके से ये तीसरा शब्द है स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद किया तो हुआ सु प्लस आगत। अब आप सोचते होंगे कि यहाँ तो से आधा है और ये ऊ की मात्रा कहाँ से आ गई, तो आप देखिए ये आधा वर्ण है, इससे हम पहचान गए कि ये यण संधि है, और यहाँ पर वह कब बनता है, जब ऊ या ऊ के बाद यानी कि छोटी ऊ या बड़ी ऊ के बाद कोई यह समान स्वर आता है जब वह बनता है, तो हम ये सेम है छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा सु, और यहाँ पर वह में आ जुड़ रहा है, यहाँ से ये वह हटेगा तो यहाँ पर ये आ की ध्वनि छोड़ेगा, तो ये इस तरीके से आगत हो जाएगा, तो संधि विच्छेद हुआ सु प्लस आगत। संधि विच्छेद करते समय हम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखते हैं और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखते हैं, तो यहाँ पर से में ऊ की मात्रा लगी हुई है, से में से ऊ निकालेंगे तो यहाँ पर ये से आधा बचेगा, इसके बाद ये आगत में से आ निकालेंगे तो यहाँ पर ये गत बचेगा। अब ऊ या ऊ के बाद कोई यह समान स्वर आता है तो क्या बनता है, वह बनता है, तो ऊ के बाद ये आया है और ये समान स्वर है, यदि यहाँ पर ऊ या ऊ आता, चाहे छोटा ऊ आता तो या बड़ा ऊ आता तो समान स्वर हो जाता, लेकिन इन दोनों में से कोई सा नहीं आया है ये, तो ये असमान स्वर हुआ, तो ऊ के बाद आया है या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्या बनता है, वह बनता है, वह यहाँ पर आधा है, इसे पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए हम इसमें हमारे पास जो स्वर है यहाँ पर इसकी मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा वा। इसके बाद ये हमारे पास व्यंजन बचा है और ये हमारे पास अपूर्ण व्यंजन है, इसे पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए स्वर की आवश्यकता होगी, लेकिन हमारे पास कोई यहाँ पर स्वर नहीं बना है, तो यहाँ पर ये से जो अपूर्ण व्यंजन है से आधा है, जो आधा का आधा रहेगा तो ये रहेगा स्व, इसके बाद में हम वा को उतार देंगे वा,
और गत जैसा का जैसा उतर जाएगा, तो ये होगा स्वागत। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने स्वागत का जो संधि विच्छेद किया वो सही किया। तो आज हम स्वर संधि के 5 भेद पढ़ रहे थे और आज हमने अयादि संधि और यण संधि और वृद्धि संधि इन 3 भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। इस तरीके से आज स्वर संधि के ये 5 भेद समाप्त हुए। आज के लिए केवल इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।